सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंपाउंड इफेक्ट। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे चल के सक्सेसफुल रहे, स्टेबल रहे, तो उनकी अर्ली एज में हमको मेहनत करने की जरूरत है। यानी किसी को जिंदगी भर उसके ऊपर वॉच रखने की जरूरत नहीं है हमको, लेकिन कुछ सर्टन टाइम होता है, एक सर्टन स्टेज होता है जहां पर हमको जोर लगाने की जरूरत है, और बहुत जोर लगाने की जरूरत है, पेरेंट्स को भी, टीचर्स को भी, और खुद स्टूडेंट्स को भी। एक सर्टन टाइम तक जोर लगाना है, जब तक वो व्हील मोशन में नहीं आ जाता, जब तक उस व्हील को एक मोमेंटम नहीं मिल जाता, तब तक आपको जोर लगाना है। और एक बार वो व्हील अपने मोशन में आ गया, अब वो खुद ऑटोमेटिकली वो अपना पावर भी जनरेट करेगा, वो काम करता रहेगा। तो कंपाउंड ऑफ इफेक्ट जो है वो इस तरह से काम करता है, ठीक है। अब कंपाउंड ऑफ इफेक्ट में अगर हम हमारी बात करेंगे, नर्चरिंग की बात करें, पेरेंटिंग की बात करें, तो हमारे बच्चे के ऊपर कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या क्या है। अच्छा, खास बात, अगर कंपाउंडिंग इफेक्ट पर आप ध्यान नहीं देंगे तो इसका मतलब नहीं है कि आपके बच्चे पर कंपाउंडिंग इफेक्ट नहीं हो रहा है। अगर आप कॉन्शियसली कंपाउंडिंग इफेक्ट नहीं करेंगे तो अनकॉन्शियसली नेगेटिव कंपाउंडिंग इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस बात का ध्यान नहीं रखता हूं कि मेरा बच्चा क्या देखता है, क्या पढ़ता है, क्या सुनता है, कैसे बच्चों के साथ खेलता है, उसकी सोच क्या है, उसकी डिफिकल्टीज क्या है, अगर मेरा इस पर ध्यान नहीं होगा तो किसी और का होगा, और वो उसको है ना एक्सप्लॉइट कर सकता है, एक्सप्लॉइट कर सकता है। जैसा कई एग्जांपल्स है, मैं बताता हूं, काउंसलिंग करता हूं मैं, पर्सनल काउंसलिंग, तो मेरे पास एक पेरेंट्स आए। अब देखिए, पेरेंट्स मामूली नहीं है, दोनों पेरेंट टीचर है, यानी उस लड़के के पिता वो भी प्रिंसिपल, उसकी मम्मी भी प्रिंसिपल, ठीक है। अब उनकी कंप्लेंट ये थी कि हम दोनों इतने हाईली एजुकेटेड है, लेकिन हमारे बच्चे की जो आदतें है ना, बहुत ही लोअर क्लास है। यानी आम जवाब में अगर हम बोले तो उसकी जो आदत है बहुत उकारो जैसी है। देखिए, टीचर्स के बच्चे, मैं तो आम बच्चों की बात भी नहीं कर रहा। देखिए, कंपाउंडिंग इफेक्ट मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर हम अगर कॉन्शियसली कंपाउंडिंग इफेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे बच्चे का, तो वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव कंपाउंडिंग इफेक्ट में चला जाएगा, और फिर वहां से वापस लाना मुश्किल। जैसे कि व्हील मैंने कहा ना कि आप उसको क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज पॉजिटिव कंपाउंडिंग इफेक्ट। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो कोई और क्या कर रहा है पता है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है उसको। अब आपके लिए कितना मुश्किल हो गया, पहले एंटी क्लॉकवाइज को रोकना पड़ेगा, फिर क्लॉकवाइज में लाना पड़ेगा। सो द सेम इज विथ योर चाइल्ड। अगर आपके चाइल्ड का कंपाउंडिंग इफेक्ट आप कॉन्शियसली उसके बेटरमेंट के लिए क्रिएट नहीं करोगे, तो वो नेगेटिव कंपाउंडिंग इफेक्ट बन जाएगा, और आपके लिए अब डबल काम हो जाएगा। एक तो माइनस नेगेटिव कंपाउंडिंग इफेक्ट को माइनस करना है, और पॉजिटिव कंपाउंडिंग इफेक्ट को प्लस में लाना पड़ेगा, आपका टास्क डबल हो गया। तो क्यों ना इनिशियल लेवल पर थोड़ा सा कॉन्शियसनेस क्रिएट करके हम अपने बच्चे का जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है उसको मेंटेन करें, ठीक है। तुम बता रहा था वो पेरेंट्स ने क्या कहा उससे, क्यों ना?